हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास में व्हीकल है और आप फास्ट टैग का यूज़ करते हैं तो आप उसे बार बार किसी दूसरे बंदे से रिचार्ज कराने की बजाय खुद से रिचार्ज करते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे। तो मैं यहाँ दोनों कंडीशन में आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो जो आप जानना चाहते हैं वो आप नहीं जान पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास में फ़ोन पे है तो फ़ोन पे से आप किस तरीके से रिचार्ज करोगे अपना फास्ट टैग, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फ़ोन पे ओपन कर लेना है, जैसा मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। और जब आप नीचे यहाँ पे जाओगे, रिचार्ज एंड पे बिल आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसी में आप सी ऑल पे जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सी ऑल पे। जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आप इस तरीके से स्क्रीन देखेंगे, और यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे रिचार्ज, और यहाँ पे आप फास्ट टैग देख रहे होंगे। आपको यहाँ फास्ट टैग पर क्लिक करना है। जब आप फास्ट टैग पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको अपना बैंक चूज करना है जिससे भी आपका जो है फास्ट टैग है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ICICI बैंक फास्ट टैग चूज कर लिया, तो उसके बाद में आपको यहाँ व्हीकल नंबर देना है, ठीक है। मीन्स आपके गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देना है, जो नंबर प्लेट पर लिखा होता है वो नंबर पूरा देना है यहाँ पे विदाउट स्पेस। उसके बाद में आपको कन्फर्म कर देना है, और जितना भी आपको यहाँ पे चार्ज करना है वो आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ से जब हम रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पे टेक्निकल एरर आ जाता है और आप अपना फास्टैग रिचार्ज नहीं करवा पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब एरर आएगा तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से रिचार्ज करोगे, फ़ोन पे से ही, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप बैक में जाओगे फिर तो आपको फर्स्ट पेज पे ही चले जाना है, जो आपका फ़ोन पे का जो पहला पेज है उसी पे। और आपको सबसे ऊपर जो है यहाँ पे देख रहे होंगे ट्रांसफ़र मनी, इस वाले फील्ड में आपको देखना है, और सेकंड वाला है टू बैंक UPI ID, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखेगी, और आपको सर्च, जो सर्च बॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पे आपको लिखना है NETC. और डॉट के बाद में आपको अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ध्यान रहे कि यहाँ पे कोई स्पेस ना हो, स्पेस अगर आता है तो वो आप स्पेस ख़त्म कर लेंगे, और उसके बाद में व्हीकल नंबर लिखेंगे, व्हीकल नंबर लिखेंगे अपना। यहाँ पे मैं कोई भी व्हीकल नंबर ऐसे ही डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हीकल नंबर डाला। इस तरीके से आपको डालना है NETC डॉट जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, इन सभी के बीच में कोई स्पेस ना हो, ये ध्यान रहे आपको। उसके बाद में आपको लिखना है @, और @ के बाद में आपको बैंक नेम देना है जिस भी बैंक से आपका फास्ट टैग है, चाहे वो ICICI से हो, चाहे वो HDFC से हो, चाहे वो किसी दूसरे बैंक से हो। तो यहाँ पे मैं बैंक नेम लिख देता हूँ ये इस तरीके से। तो पूरा आपको इस तरीके से लिखना है कि NETC डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसके बाद में @, फिर बैंक नेम आएगा, और उसके बाद में आपको इसे ओके कर देना है। और ओके करने के बाद में जब आप यहां पे क्लिक करेंगे न्यू UPI ID, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप नेक्स्ट स्क्रीन देखेंगे, और यहां पे फिर से आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के तुरंत बाद ही आप इस तरीके से देखेंगे, जो बैंक UPI ID है वो फास्टैग का UPI ID आप इस तरीके से देख पाएंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रीन मार्क आ जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन नेम है वो आप यहाँ पे नीचे देख पाओगे आसानी से। और उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में जितना भी अमाउंट आपको मीन्स रिचार्ज करना है अपने फास्टैग में वो दे देना है, और सेंड पे क्लिक कर देना है। सीधा आप सेंड पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में आपको पिन, जो नंबर रहता है UPI पिन नंबर रहता है वो दे देना है, और उसके तुरंत बाद आपका जो फास्ट टैग है वो रिचार्ज हो जाएगा आसानी से।